हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस और यह है पार्ट 1। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। हमने रेफरेंस लिया वीके ओरियो टीआर जैन जी की बुक से। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं, हु इज अ कंज्यूमर, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। 8 टॉपिक है टोटल, 4 टॉपिक इस पार्ट में करेंगे और नेक्स्ट 4 टॉपिक हम अगले पार्ट में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि हु इज अ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है। आप एक कंज्यूमर हो, आप एक कंज्यूमर हो। कैसे? आप गए मार्केट में, कुछ भी आपने सामान खरीदा। फॉर एग्जांपल सुबह सुबह गए, आपने ब्रेड खरीदी, तो आप कंज्यूमर हुए। आपने ब्रेड खरीदी, क्यों खरीदी? क्योंकि आपको नाश्ता करना था। ब्रेड से आपकी जो वांट थी, जो आपकी जरूरत थी, वो सेटिस्फाई हो पाई। तो आपको नाश्ता करना था, इसलिए आपने ब्रेड खरीदी। आपने ब्रेड खाई तो आपकी जो वांट थी वो सेटिस्फाई हो पाई। ठीक है। अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज हर वांट। देखो, जो भी आपकी वांट होती है, ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल था कि आपको नाश्ता करना था। उस टाइम आपकी वांट थी कि आपको ब्रेड खानी है। आपने ब्रेड खरीदी, आपने ब्रेड खा ली, आपकी जो वांट थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो जो भी कंज्यूमर वो होता है, जो भी कोई किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, आपको गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, एसी नहीं है आपके घर में। आप गए, आपने एसी बाय किया, खरीद लिया आपने एसी। ठीक है, खरीद लिया तो आपने क्या किया, अपनी वांट को सेटिस्फाई किया ना। आप क्या हुए, कंज्यूमर हुए। आपने डायरेक्टली अपनी वांट को सेटिस्फाई किया कि आपको गर्मी लग रही थी, आपको एसी चाहिए था, आपने जाके खरीद लिया, तो आप कंज्यूमर हुए क्योंकि आपने गुड्स खरीदी जिससे आपकी जो वांट थी वो सेटिस्फाई हो पाई। अब हम ये सोच लेते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। हमेशा हम, मतलब वो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन जिसको उस टाइम पे किसी चीज की जरूरत है और वो उसने खरीदी और उसने अपनी वांट को सेटिस्फाई किया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरली अ कंज्यूमर इज थॉट ऑफ एज एन इंडिविजुअल। हम एक इंडिविजुअल सोच लेते हैं, हम खुद को ही सोच लेते हैं कि हम अकेले ही एक कंज्यूमर है। बट इन प्रैक्टिस कंज्यूमर्स कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कोई भी इंस्टीट्यूट भी कंज्यूमर हो सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो काम कर रहा है एक हाई लेवल पे, तो उसको भी किसी न किसी चीज की जरूरत तो होती होगी। वो उसको भी तो वांट्स होंगे कुछ अपने इंस्टीट्यूट को आगे चलाने के लिए, अपने इंस्टीट्यूट्स की वांट को पूरा करने के लिए कोई ना कोई चीज जरूर खरीदता होगा। तो पूरे इंस्टीट्यूट के नाम पे चीजें खरीदी जाती होंगी। तो एक इंस्टीट्यूट भी कंज्यूमर हुआ, इंडिविजुअल्स हम जो है हम भी कंज्यूमर्स हुए, एंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स। इंडिविजुअल्स का ग्रुप्स और हाउसहोल्ड्स का ग्रुप, ये भी कंज्यूमर होते हैं। मान लो, चलो अब आपको गीजर चाहिए, तो अब आपको लग रही है ठंड, आपको ही नहीं सिर्फ आपके पूरे घर में सबको लग रही है, तो सबकी वांट है ना इस टाइम पे गीजर, सबको चाहिए। तो सबकी वांट हुई, तो आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हुए या हाउसहोल्ड्स हुए कि आप सबकी वांट है, तो आप भी कंज्यूमर हुए, सबके सब कंज्यूमर हुए, क्योंकि आपने अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड को खरीदा। ठीक है। द कंज्यूमर चूजेस हिज एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइजेस हिज यूटिलिटी विद द गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब चलो आपने सोचो कि आपने गीजर लेना है, आपकी इनकम चलो मान लेते हैं फिलहाल कि 30,000 रुपीज है, मान लेते हैं। ठीक है, आपका बजट है गीजर खरीदने का कि आपको 5,000 का गीजर खरीदना है मैक्सिमम। ये मैं एक कम लेके ही चल रही हूँ, ऐसे मत बोलना ऐसे इतनी कम दे दिया, मान के चल रहे हैं, लेट सपोज। ठीक है, हम 5,000 का आपका बजट है। तो आपने सबसे पहले अपनी इनकम देखी, उसके बाद आपने अपना बजट
रखा कि मेरा इतना ही बजट है, तो आप पहले अपनी इनकम के हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर देखोगे कि आपको कितना खर्च करना है, फिर आप देखोगे कि आपको उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, मतलब आप कहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एक कंपनी है, मान लो हम ले लेते हैं क्रॉम्पटन की, इसका गीजर आता है 7,000 का फॉर एग्जाम्पल, एक है बजाज की, इसका आता है 5,000 का, तो आपका बजट कितना है? 5,000। आपकी फेवरेट कंपनी होगी क्रॉम्पटन, लेकिन आपका बजट कितना है? 5,000 का, तो आप क्या चूज करोगे? बजाज को। तो द कंज्यूमर चूजेस हिज एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइजेस हिज यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी गीजर की है। इस टाइम पे उसने अपनी फेवरेट कंपनी को छोड़ दिया, अपनी यूटिलिटी को देखा अपनी इनकम के हिसाब से कि मेरी इनकम के हिसाब से जो मेरा बजट था उस हिसाब से उसने डिसाइड किया कि मुझे क्या चीज लेनी है, कितने की लेनी है। तो यहाँ पे ये चीज कैंसिल कर दी गई और ये चीज हमने चूज करी। आई होप सबकी समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन derived from the consumption of a commodity। जब भी आप किसी भी कमोडिटी को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हो और उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आपने पानी पिया, आपने पानी पिया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, आपकी प्यास बुझ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। जो सेटिस्फेक्शन हमें एक गुड्स को यूज करके मिली है वो यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी को यूज करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिली है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है कि कितनी सेटिस्फेक्शन हमें उस कमोडिटी से, उस पर्टिकुलर गुड से मिल रही है। आपने चाय पी, कुछ सेटिस्फेक्शन मिली आपको चाय पी के, तभी पी आपने, तो ये सेटिस्फेक्शन क्या है? उस चाय से मिली हुई यूटिलिटी। खाना खाया आपने, डिनर किया, यूटिलिटी मिली, सेटिस्फाइड हुए, भूख लगी थी, सेटिस्फेक्शन मिली, तो क्या मिली? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी वही होती है जब भी हम कोई पर्टिकुलर चीज को यूज करते हैं उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब ये खाने पीने की बात ही नहीं, आपने म्यूजिक सुना, थके हुए थे, थोड़ी देर आराम करने के लिए म्यूजिक सुना, आप रिलैक्स हो गए, आपको सेटिस्फेक्शन मिली, ये भी क्या हुई? यूटिलिटी। सिर्फ खाने पीने वाली चीजों से ही नहीं मिलती यूटिलिटी, कोई भी चीज, जिस भी चीज से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कोई भी चीज यूज करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो होगी आपकी यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी को हम कैसे मेजर कैसे करते हैं, हमें पता है कैसे चलता है कि हमें कितनी यूटिलिटी मिली, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। तो क्या हम यूटिलिटी को यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं? तो हमारे दो साइंटिस्ट हैं, अल्फ्रेड मार्शल और जे.आर. हिक्स, इन्होंने दो अलग अलग बातें बोली है। अल्फ्रेड मार्शल ने जो बात बोली है उसको हम बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जे.आर. हिक्स ने जो बात बोली है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। इस चैप्टर में हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ये ऐसा बिलीव करते हैं, बिलीव्स दैट वी कैन मेजर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। ये ऐसे बोलते हैं कि आपने कोई भी चीज यूज करी, मान लो आपने चाय पी, तो आप उसकी यूटिलिटी बता सकते हो कि इसको, इससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है 10 में से 5 मिली है, 10 में से 4 मिली है, 10 में से 3 मिली है, 2 मिली है, 6 मिली है, 10 में से 10 मिली है। ये ऐसा बोलते हैं कि हम उसको नंबर्स में मेजर करके बता सकते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज बाय मार्शल टू मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स। जो भी वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट करते हैं, जो भी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, उसको वो यूटिल्स बोलते हैं। Thus, when you consume a cup of tea, you can express your satisfaction as equal to 2 utils. कि मुझे 2 utils की satisfaction हुई है,
तीन यूटिल की सेटिस्फेक्शन हुई है, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होती है कि जिनको हम नंबर की फॉर्म में बता सकते हैं कि हमें दो नंबर की सेटिस्फेक्शन हुई है, तीन यूटिल्स, चार यूटिल, पांच यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हमको हुई है। अब जे आर हिक्स जी जो है वो क्या बोलते हैं, ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो, कि हम सेटिस्फेक्शन को सिर्फ हाई और लो बता सकते हैं कि मैंने चाय पी तो मुझे बहुत हाई सेटिस्फेक्शन इससे हुई या बहुत लो सेटिस्फेक्शन इससे हुई, या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं लेकिन हम इसको यूनिट में नहीं दिखा सकते। ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि it cannot be expressed in terms of unit. Thus, what you can say is that a cup of tea gives you greater satisfaction than a cup of coffee. ये बोलना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हमें टी और कॉफी में से टी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली कॉफी के मुकाबले, कि हमें कॉफी से कम सेटिस्फेक्शन मिली और टी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि टी से हमें दो सेटिस्फेक्शन मिली और कॉफी से हमें तीन मिली, ऐसे नहीं, यूनिट में नहीं बता सकते। आप सिर्फ ऐसे बता सकते हो कि कॉफी से ज्यादा मिली, टी से कम मिली, या टी से ज्यादा मिली और कॉफी से कम मिली। यू कैन नॉट से दैट अ कप ऑफ टी गिव्स यू 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी एंड अ कप ऑफ कॉफी गिव्स यू 2 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। आप ऐसे नहीं बता सकते, यूनिट्स में नहीं बता सकते। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो जे आर हिक्स ही कहते हैं कि आप हाई और लो रैंक दे सकते हो कि इससे ज्यादा मिली और इससे कम मिली, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल जी बोलते हैं कि आप उसको यूनिट्स में बता सकते हो कि 1, 2, 3, 4 कितने की सेटिस्फेक्शन आपको उससे मिली। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी वो होती है कि जब भी आप कोई कंजम्पशन करते हैं, कितनी यूनिट में करते हैं, मान लो आपने एक मिठाई खाई तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, कितने यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। मान लेते हैं आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन एक मिठाई खाने से मिलती। फिर आपने जब दूसरी मिठाई खाई तो आपको 9 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। फिर आपने तीसरी खाई तो आपको 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, पहले 10 की मिली, फिर 9 की मिली, फिर 8 की मिली। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। कि आपने जितनी भी यूनिट्स खरीदी थी या खाई थी, कंज्यूम करी थी एक कमोडिटी की, उससे आपको जितनी भी टोटल यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, टोटल यूटिल्स यानी कि 10 + 9 + 8, ये सारे इनका टोटल, ये होगी हमारी टोटल यूटिलिटी। अगर हम एग्जांपल दें, देखो, इफ 2 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एंड फर्स्ट यूनिट यील्ड 10 यूटिल्स, वैसे ही है कि हमने दो यूनिट किसी भी कमोडिटी की दो यूनिट यूज करी। पहली यूनिट जब हमने खाई, यानी जब हमने पहली मिठाई खाई, हमारे सामने मिठाई का डब्बा है, हमने जब पहली मिठाई खाई तो हमको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन उससे मिली। बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमको उससे मिली कि पहला पीस था वो। लेकिन जैसे ही हमने सेकेंड मिठाई खाई, व्हाइल द सेकेंड यूनिट यील्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ 9 यूटिल्स, दूसरी मिठाई खाते ही हमको 9 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 10 + 9, दैट इज 19 यूटिल्स। कि जितनी भी हमने यूनिट्स यूज करी उनकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, जितनी हमने टोटल उससे हमको सेटिस्फेक्शन मिली है। समझ आ गया? पहली मिठाई से 10 यूटिल्स की मिली थी, दूसरी मिठाई से 9 यूटिल्स की मिली थी, तो टोटल यूटिलिटी हमारी हो गई 19 यूटिल्स की। हमें टोटल यूटिलिटी मिली 19 यूटिल्स की, टोटल सेटिस्फेक्शन हमारी कितनी है 19 यूटिल्स की। तो ये टोटल यूटिलिटी थी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी, अगर हम इसको एक नॉर्मल भाषा में बोलें तो मार्जिनल यूटिलिटी होती है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। कि इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कि ये वो एडिशनल यूटिलिटी होती है जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं किसी भी कमोडिटी का, तो उससे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी हमें मिलती है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, और ये हमेशा धीरे धीरे कम होती जाती है।
मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है धीरे धीरे। कैसे? जैसे आपने पहली यूनिट जब खाई तो 10 की सेटिस्फेक्शन मिली, सेकेंड मिठाई का पीस लेते ही 9 की हो गई, फिर थर्ड मिठाई का पीस लेते ही 8 की हो गई, 7 की हो गई मान लेते हैं, तो यहाँ पे -1 हो गया, फिर यहाँ आके -2 की सेटिस्फेक्शन हो गई, फिर आपने फोर्थ पीस लिया तो आपको 4 की या चलो 5 की लेते हैं, यहाँ पे -2 की सेटिस्फेक्शन हो गई, थर्ड पीस लिया आपने तो 1 की, -4 हो गया, सॉरी फिफ्थ पीस लिया जब आपने, फिर आपने सिक्स पीस लिया तो आपकी जो यूटिलिटी थी यहाँ पे, तो आपकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई, मतलब यहाँ आपका पेट भर गया था, इस लास्ट यूनिट पे पेट भर गया था, ये आपने एक्स्ट्रा जबरदस्ती ली तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में चली गई, तो नेगेटिव में भी चली जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती रहती है एक के बाद एक, क्योंकि आपका पेट जो है आपको सेटिस्फेक्शन एक यूनिट से जो पहली यूनिट से मिलेगी वो सेटिस्फेक्शन आपको उस कमोडिटी के यूज करने के बाद सेकेंड यूनिट से नहीं मिलेगी। आपने पहली रोटी खाई तो आपको जितनी सेटिस्फेक्शन मिली थी दूसरी रोटी से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और तीसरी से भी उससे कम मिलेगी, चौथी से और कम हो जाएगी, पांचवी से और कम हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका पेट भर जाएगा और अगर आपने जबरदस्ती खाई तो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल, If 10 units of a commodity yield satisfaction of 100 utils, कि 10 यूनिट जब हमने कंज्यूम करी तो हमको यह 100 utils की satisfaction मिली, 11th यूनिट जब हमने कंज्यूम करी तो हमको 105 utils की additional utility मिली, ठीक है, तो हमारी marginal utility क्या हुई, 105 यूनिट की मिली, marginal utility क्या हुई, difference इसका चेंज कितना आया टोटल यूटिलिटी में, 5 का चेंज आया, जितना चेंज आता है वो हमारी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, TUN - TUN - 1, चलो हम ये एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, यहाँ पे हम ले रहे थे अपनी क्वांटिटी, यानी कि यूनिट्स हमने कितने यूज करी, यहाँ आ जाएगी हमारी टोटल यूटिलिटी और यहाँ हम निकालेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो अगर हम जीरो क्वांटिटी यूज कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी भी तो जीरो मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी नहीं मिलेगी, जब हमने कुछ यूज ही नहीं किया तो टोटल यूटिलिटी भी नहीं मिलेगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी नहीं मिलेगी हमको। और अगर हमने एक यूनिट जैसे यूज करी हमको टोटल यूटिलिटी मिली 8 की, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, TUN - TUN - 1, यानी कि 8 - 0 = 8। अब हमने जैसी सेकेंड यूनिट यूज करी हमारी टोटल यूटिलिटी आ गई 14 की, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई, 14 - 8 = 6, यहां कम हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी कम हुई। थर्ड यूनिट यूज करी टोटल यूटिलिटी मिली 18 की, 18 - 14 मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई, 4। फोर्थ यूनिट यूज करी टोटल यूटिलिटी मिली 20 की, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 2। फिफ्थ यूनिट यूज करी टोटल यूटिलिटी मिली 20 की, फिफ्थ यूनिट यूज करने पे भी टोटल यूटिलिटी में चेंज नहीं आया, 20 की ही मिली,
तो अब यहां मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई, जीरो, यानी कि यहां आपका पेट भर गया। अब ये एडिशनल यूनिट आपने यूज करी तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी अब कम हो गई। टोटल यूटिलिटी कम हुई कितनी, 18 की, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी, 18 माइनस 20 माइनस 2, यहाँ पे नेगेटिव में चली गई मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसको डायग्राम से सीखें, अगर डायग्राम हम बनाएं, ये क्या है हमारी, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, ये हो गई हमारी, ये सॉरी ये हमारी टोटल यूटिलिटी। अभी पहले टोटल यूटिलिटी का देखते हैं, ये टोटल यूटिलिटी और ये हो गई हमारी क्वांटिटी। तो सबसे पहले कितनी थी, जीरो, जीरो यूनिट की सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिलिटी। उसके बाद टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, क्वांटिटी वन पे टोटल यूटिलिटी हमारी 8 हो गई। मैंने गलत बनाया गया डायग्राम, इसको 4 कर दो, इसको 8 कर दो, इसको 12 कर दो, यार। दोबारा बनाते हैं, टोटल यूटिलिटी कर्व ये हमारी टोटल यूटिलिटी, और ये हमारी क्वांटिटी, ठीक है। तो जब हमने सबसे पहली जीरो यूनिट यूज करी तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, जीरो मिली। जीरो यूनिट यूज करने पे टोटल यूटिलिटी जीरो मिली। उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट जब यूज करी टोटल यूटिलिटी 8 की मिली, फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 8 की मिली। सेकेंड यूनिट पे हमें टोटल यूटिलिटी 14 की मिली है, तो यहाँ आ जाएगा सेंटर में। थर्ड यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी 18 की हो गई। फोर्थ यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी 20 की है। फिफ्थ यूनिट पे भी हमारी टोटल यूटिलिटी 20 की ही है, और सिक्स्थ यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी वापस 18 पे आ गई। तो ये हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व गया। मैंने बहुत बुरा बनाया है, आप सब ऐसे मत बताना। मैक्सिमम कितनी थी, मैक्सिमम कहाँ मिली है, यहाँ 5 पे, जहाँ लास्ट मैक्सिमम मिली है, यहां मिली है हमें हमारी मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्वांटिटी याद हो तो ये एक नेगेटिव में भी थी, तो इसको नीचे भी लेके जाएंगे, ठीक है।
फर्स्ट यूनिट 0 पे 0 थी, फर्स्ट यूनिट पे 8 की मिली है, फिर सेकंड पे हमको मिली थी 6 की, थर्ड यूनिट पे मिली है हमको फिर 4 की, फोर्थ यूनिट पे हमको मिली है 2 की, फिफ्थ यूनिट पे हमको मिली है 0 यहाँ पे, सिक्स्थ यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी नेगेटिव चली, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चली गई। तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा बन रहा है? डिमिनिशिंग के नीचे गिरती चली जा रही है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जहां पे हमारा एमयू क्या होता है? 0 होता है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वो पॉइंट होता है जहां हमारा एमयू क्या होता है? 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस चीज के लिए? एमसीक्यू के लिए, कि जहां एमयू 0 होता है उसको क्या बोलते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन में क्या होता है वो। तो ये टोटल यूटिलिटी का कर्व था हमारा, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व था। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दोनों कर्व में क्या रिलेशनशिप है? मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलो, इम्पॉर्टेंट है इनका रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पता होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव रहेगी, जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होगी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। देखो यहां तक फिफ्थ पॉइंट तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, तो फिफ्थ पॉइंट तक ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी। ठीक है, पहला रिलेशनशिप इनका यही है, कि जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तब तक मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव रहेगी। फिफ्थ पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी ने डिक्रीज होना शुरू किया, फिफ्थ पॉइंट के बाद ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगी अपने। फिफ्थ पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 है यहाँ, और हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम पे है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, हमारी टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी गिरना शुरू हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई और हमारी टोटल यूटिलिटी भी गिरने लग गई, उसका स्लोप डाउनवर्ड आने लग गया। ठीक है, तो जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई टोटल यूटिलिटी हमारी डिमिनिशिंग हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। गिरती हुई मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताती है कि जो अब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। तो ये रिलेशनशिप था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, कि पहला क्या है कि टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज हो रही होगी, तो जब तक इंक्रीज हो रही होगी टोटल यूटिलिटी,
मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो हुई, टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम पे आ जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही नेगेटिव पे गई, टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको उल्टा भी देख सकते हो कि जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे आई, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई, और जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगी तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, और जब टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुई, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी नीचे गिरने लग गई। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और पार्ट 2 जरूर देखना।